गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो सोशल थिंकर्स वाला अपना जो यूनिट है अब एंड होने पर है। आज अपन ने जो है बहुत सारे वेस्टर्न या जो विदेशी जिनको अपन कहें, कुछ जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थे, वेटरन सोरोकिन रशिया के थे, तो अलग अलग देशों के जो समाजशास्त्री हैं उनके विचारों का अध्ययन हमने किया है। हालांकि इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको इस यूनिट में रखा जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। भारत में अगर किसी समाजशास्त्री के विचार के रूप में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे तो वो महात्मा गांधी के विचार हैं। महात्मा गांधी को हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं हमारे। और महात्मा गांधी वैसे पूरी तरह से समाजशास्त्री तो नहीं है, बेसिकली ही इज़ नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन उनकी जो व्यूज़ हैं वो समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं उनके। क्योंकि गांधी जी की जो एक छवि है या गांधी जी की जो एक पहचान है हम लोगों के मन में, वो एक स्वतंत्रता सेनानी की भी है, एक समाज सुधारक की भी है, एक कहीं ना कहीं एक समाजशास्त्री की भी है, अर्थशास्त्री की भी है, राजनीति विज्ञानी की भी है, समाज में बुराइयों को दूर करने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी हम महात्मा गांधी को जानते हैं। तो इस यूनिट में आप लोगों के महात्मा गांधी को भी इन्वॉल्व किया गया है, तो महात्मा गांधी के जो सामाजिक विचार हैं पर्टिकुलरली अपन उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक PDF है जो मैं, किसी का प्रोजेक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सोशल थिंकर महात्मा गांधी विजिबल है आप लोगों को? रेस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। यस सर। ओके ओके। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ एंड अर्ली लाइफ। मोहनदास करमचंद गांधी अफेक्शनेटली कॉल्ड एज महात्मा एंड फादर ऑफ नेशन वॉज बॉर्न ऑन 2nd of October 1869 इन पोरबंदर गुजरात। हम सभी जानते हैं अच्छे से इस फादर करमचंद गांधी वॉज ए दीवान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर स्टेट। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। तो जो आरंभिक जीवन है उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इन May 1883 द 13-year-old मोहनदास वॉज मैरिड टू ए 14-year-old कस्तूरबा माखन जी। तो महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह जो है वो मात्र जब वो गांधी जी 13 साल के थे तभी हो गया था, और उस वक्त कस्तूरबा जी जो थी वो 14 साल की थी। तो कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज जो है वो महात्मा गांधी के जीवन में भी देखने को मिली, और महात्मा गांधी ने खुद जो है आगे चल करके अर्ली मैरिज का बहुत विरोध किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो दंपत्ति हैं अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है परिपक्व नहीं है और निर्णय लेने की क्षमता अगर उनमें नहीं है और ऐसे व्यक्तियों का अगर विवाह कर दिया जाता है तो वो उचित नहीं है। His father died in 1888. He went to England to study law. His mother died while he was in London. Gandhi went to South Africa in 1893 to file a case and was ill-treated by British. He fought the British और साउथ अफ्रीकन्स। अब आपको अच्छे से ध्यान है महात्मा गांधी के जीवन का जो एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जो एक इवेंट था कि जिसमें गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था और ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन किसी अंग्रेज ने उनको ये जो जिसको अपन कहते हैं नस्ल भेद के कारण और गोरी और काली चमड़ी के भेद के कारण, प्रजातिवाद के कारण गांधी जी को जो है वो ट्रेन से धक्के मार करके निकाल दिया था। उस इवेंट ने गांधी जी के मन में एक कहीं ना कहीं जो असमानता का विरोध जो है उसका उसका बीजारोपण हुआ, कहीं ना कहीं असमानता के विरोध में वो खड़े हुए और फिर जो है उन्होंने
साउथ अफ्रीका में ही जो साउथ अफ्रीकन्स हैं ब्लैक लोग जो हैं उनके फेवर में खड़े हुए, वो लंबे समय तक संघर्ष किया और वहाँ संघर्ष करके गांधी काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। गांधी जी को जो है उनके विचार जो है पूरी दुनिया में फैल चुके थे और गांधी जी के इन विचारों से जब भारत के लोग प्रभावित हुए तो फिर उन्हें भारत बुलाया गया और फिर भारत की आज़ादी में गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू हुआ। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एंड ग्रेजुअली गॉट इन्वॉल्व विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड 30th of January 1948 बाई नाथुराम गोडसे इन द कंपाउंड ऑफ बिड़ला हाउस, जिसको आज जो है गांधी स्मृति कहा जाता है, अ लार्ज मैंशन इन न्यू दिल्ली। महात्मा गांधीज व्यूज फाउंड एक्सप्रेशन इन हिज राइटिंग एंड स्पीचेस। तो गांधी के जो समाजशास्त्रीय विचार हैं वो उनके द्वारा लिखी गई कई छोटी छोटी किताबें और विभिन्न प्रकार के जो धरने आमरण अनशन हुआ करते थे उस दौरान जो लोगों को अपने व्यूज कन्वे किया करते थे, इन सारी चीज़ों में गांधी के जो विचार हैं वो समाज के सामने दिखाई पड़ते थे। द इंडियन ओपिनियन, द यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये गांधी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत फेमस है, कई लोगों ने, मेरे ख्याल से आप में से भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो कम से कम उसके कई सारे रेफरेंसेज आपको पता होंगे कि इस बुक में गांधी ने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। इसमें गांधी ने अपने, हाँ बोलिए, सत्य की प्रयोग सर, हाँ हाँ गांधी की किताब है ना माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हाँ सर पढ़िए। तो इस बुक के अंदर गांधी ने अपने जीवन के कई सारे पक्षों का उल्लेख किया है। गांधी ने अपने जीवन की कई ऐसी महत्वपूर्ण निजी बातें होती है जो कई एक आम व्यक्ति जो है शायद छुपाना चाहेगा, वो बातें भी गांधी ने इस बुक के अंदर डिस्क्लोज करी है। उन्होंने कभी शराब पी थी या उन्होंने मदिरा का सेवन किया था या और कुछ भी गलत काम किया था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इसके अंदर मेंशन करी हैं। इन दिस कोर्स वी विल ट्राई टू नो अबाउट हिज व्यूज ऑन द फॉलोइंग, राम राज्य, सर्वोदय, अहिंसा और सत्याग्रह। तो गांधी के जो सामाजिक विचार हैं उनको बेसिकली इन चार जो सेगमेंट के अंदर डिवाइड करके स्टडी करने की बात यहाँ पे हो रही है। राम राज्य से गांधी का क्या मतलब था, सर्वोदय से क्या मतलब था, अहिंसा से क्या था और सत्याग्रह से क्या था। ये चारों ही टर्म ऐसी हैं जो गांधी के साथ में बहुत ही गहराई के साथ में एसोसिएटेड हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो राम राज्य, ये एक जो है एक पिक्चर डली हुई है जिसमें ग्लोबल जो लीडर है, दुनिया के जो लीडर्स हैं वो गांधी के बारे में क्या विचार रखते हैं, ये भी एक समझने वाली बात है या महत्वपूर्ण कोटेशन है। कहीं ना कहीं हमको गर्व होगा ये देख करके कि महात्मा गांधी जो है वो हमारे देश से बिलोंग करते थे, है ना। कई विदेशी लोग गांधी के बारे में जो विचार रखा करते थे, जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सबसे पहला है कि जनरेशंस टू कम इट मे बी will scare believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth, yani ek hardmass ka putla isi dharti ke upar chala karta tha, ghuma karta tha, aane wali peediyan ye soch kar ke shayad amazed rahengi, aashcharyachakit rahegi, ya ho sakta hai ki unko vishwas hi nahi ho payega ki ek itna dubla patla hardmass ka putla jo hai gandhi naam ka vyakti isi dharti ke upar chala karta tha। मार्टिन लूथर किंग ने भी इनके बारे में कहा है, इफ ह्यूमैनिटी इज टू प्रोग्रेस गांधी इज इनएस्केपेबल, ही लिव्ड, थॉट एंड एक्टेड इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ह्यूमैनिटी इवॉल्विंग टुवर्ड अ वर्ल्ड ऑफ पीस एंड हार्मोनी, वी मे इग्नोर हिम एट आवर ओन रिस्क। इनकी मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के विकास के लिए, शांति के लिए जो गांधी ने काम किया है, शांति और हारमोनी के लिए, इनकी आपस में जो है संबंधों के अंदर जो मधुरता है, उसके बाद में भी अगर हम गांधी को इग्नोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हो ची मिन जो है वियतनाम के जो प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने
भी गांधी के बारे में अपने व्यूज रखे हैं। आई एंड अदर मे बी रिवोल्यूशनरीज बट वी आर डिसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो कहीं ना कहीं ये होचिमिन भी जो है ये भी जो है क्रांतिकारियों में शुमार थे, लेकिन ये भी गांधी की तुलना में अपने आप को बहुत कम मानते हैं। चार्ल्स बोस, लियोन ब्लम, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन जो हॉकिंस है ना, उन्होंने भी इसके गांधी जी के जीवन के बारे में अपने विचार रखे हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने एक वो YouTube का लिंक भी शेयर किया है आप लोगों के साथ में, जिसमें एक मेरा लेक्चर भी है गांधी जी के जीवन के ऊपर, जो अभी मैंने गांधी जयंती पे दिया था। तो उसमें भी बेसिकली मैंने महात्मा गांधी के जो सामाजिक विचार हैं उसके ऊपर ही अपने व्यूज रखे थे। तो वो लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स के अंदर शेयर किया है। तो ये भी आपके जो कोर्स और आप जो गांधी के जो सोशल व्यूज़ है उसमें आप लोगों के काम आएगा। तो एक बार उसको भी सुनना आप लोग, है ना। तो वो आपके मैंने उसमें लिंक दे रखा है, वो मेरे यूट्यूब चैनल का है और उसके अंदर वो लेक्चर भी है। ये जो फोटो है वो साबरमती आश्रम की है, अहमदाबाद गुजरात, है ना। काफ़ी अच्छा, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। एक बार मैं गया भी था, आप में से भी कुछ लोग गए होंगे। हाँ बोलिए। लाइक सब्सक्राइब वो भी करना है क्या? करना चाहो तो कर देना, है ना, करना चाहो तो कर देना। हालांकि मैंने जो है वो मेरा उद्देश्य बेसिकली जो है वो उसमें आपको गांधी के सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। और हालांकि वो उसमें कुछ सोशियोलॉजी की वीडियोस भी हैं, कुछ दूसरे वीडियोस भी हैं, तो कर लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। हाँ जी, कर दिया सर। अच्छा कर भी दिया, सुनना पहले उसको, लाइक सब्सक्राइब तो करते रहना लेकिन सुनना जरूर। मैं कोई यहाँ ये विज्ञापन नहीं करूंगा, अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाइए। अब राम राज्य के बारे में देखिए गांधी जी के क्या विचार हैं। भाई राम राज्य, आई डू नॉट मीन हिंदू राज। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, राम आ रहे हैं लेकिन यह हिंदू वाली बात नहीं है। फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डाइटी। द एंशियंट आइडियल ऑफ राम राज्य इज वन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इन विच द मीनेस्ट सिटीजन कुड बी श्योर ऑफ स्विफ्ट जस्टिस। तो राम राज्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वे हिंदुओं का राज या भगवान राम के अनुयायियों का राज। राम राज्य का मतलब यही है कि जहाँ पे जो है लोकतंत्र जो है अपने वास्तविक अर्थों के अंदर दिखाई दे, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर और निर्बल जो व्यक्ति है उसको भी जो है न्याय अच्छे से मिल पाए। ये चीज़ जो है राम राज्य से गांधी का विचार ये था। कई लोग जो है आजकल पॉलिटिकल सिनारियों में ये बात करते हैं कि गांधी जी भी तो राम राज्य की बात करते थे, तो अभी की अगर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी राम का नाम लेकर के या राम की बात करती है तो क्या गलत है, कई लोग कहते हैं। तो गांधी का राम राज्य और अभी वाले उनका जो राम के नाम पर राज्य है, दोनों में रात दिन का फर्क है। राम राज्य, गांधी व्यूड रिलीजन एज डिफरेंट रोड्स कन्वर्जिंग अपॉन द सेम पॉइंट। ही सेड, What does it matter that we take different routes so long as we reach the same goal? रास्ता अलग अलग हो लेकिन मंजिल एक ही होती है। तो धर्म के बारे में गांधी का ये बिल्कुल क्लियर विचार था कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं कहीं ना कहीं वो एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। तो चाहे ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी हो, ये सब हमें एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। महात्मा गांधी सेड, आई मीन बाय राम राज्य डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ God, I acknowledge no other God but the one God of truth and righteousness, जो सही है ना, सही और जो सत्य है, उस भगवान में गांधी जी जो है वो बिलीव करते हैं और उसका जो राज हो ऐसा गांधी मानते थे। For him, राम राज्य envisages a society in which virtue, morality and justice are the core ideals around which day-to-day interaction between citizen and state and citizen occur. तो कुल मिलाकर के वही जो वर्च्यू, मॉरलिटी, नैतिकता, न्याय,
इन बातों को समाहित किए हुए जो राज्य की परिकल्पना है वो महात्मा गांधी उसमें बिलीव किया करते थे। केवल जो है धर्म के आधार पर अगर राज्य संचालित हो उसके वो कभी भी पक्षधर नहीं थे। गांधी जी सेड दैट फॉर हिम टू राम राज्य वुड एंश्योर इक्वल राइट्स टू बोथ प्रिंस एंड पॉपर, राजा और रंक सभी के लिए समान अधिकार, है ना। कानून की नज़र में जब सब बराबर हो जाएंगे तो वो स्थिति ही वास्तव में राम राज्य वाली स्थिति होगी। गांधी जी देखिए आत्मनिर्भरता के भी पक्षधर थे, तो सामाजिक विचारों में ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। गांवों के पुनर्निर्माण, गांवों को वो अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। महिलाओं और पुरुषों के जो अधिकार थे उसमें समानता के भी वो पक्षधर थे। गांधी जी जितने भी आंदोलन किया करते थे उसमें भी वो महिलाओं से भी जो है अपील करते थे, उनको भी शामिल किया करते थे, है ना। महिलाओं की शिक्षा के भी वो पक्षधर थे। तो कुल मिलाकर के गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं वो इक्वेलिटी से संबंधित हैं। अब ये राम राज्य की बात हो गई, अब बात आ रही है सर्वोदय। सर्वोदय भी जो है हिंदी का वर्ड है जिसमें सर्व और उदय दो वर्ड हैं। सर्व मीन्स सभी का, उदय मीन्स वेलफेयर, यानी कि सभी का कल्याण, सभी का उदय हो, सभी का कल्याण हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ गिने चुने उद्योगपति, गिने चुने जो पूंजीपति लोग हैं समाज में, केवल उन्हीं का विकास हो या वो ही आगे बढ़ते रहें और समाज के दूसरे जो लोग हैं वो पिछड़ते जाएं, गरीब है वो गरीब होते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वेलिटी हो। तो गांधी के जो विचार हैं सोशलिस्ट व्यू हैं गांधी के, है ना। समाज सामाजिक विचार है गांधी के कि समाज के अंदर सभी व्यक्ति जो हैं उनमें एक इक्वेलिटी हो। तो सर्वोदय इज गांधी जीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट लाइक सत्याग्रह। इट टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, सर्व मीनिंग वन एंड ऑल यानी कि ऑल, एंड उदय मीन्स वेलफेयर और अपलिफ्ट। द कंजंक्शन दस एम्प्लाइज यूनिवर्सल अपलिफ्ट और वेलफेयर ऑफ ऑल एज मीनिंग ऑफ सर्वोदय, है ना। सार्वभौमिक रूप से सभी का उदय हो, सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो, यही है सर्वोदय का मतलब। फिर विनोबा भावे ने भी गांधी जी के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का काम किया था। सर्वोदय, सर्वोदय इज अ टर्म मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल। द आइडिया इज एम्प्लाइड इन द वर्ड इटसेल्फ, नाम से ही पता चल रहा है। सर्व एंड उदय, सर्व मीन्स ऑल एंड उदय मीन्स अपलिफ्ट। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई मोहनदास गांधी। गांधी बोरोड द आइडिया दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम जॉन रस्किन्स वर्ड अनटू द लास्ट। तो गांधी का ये जो आइडिया था ये आया कहाँ से था, रस्किन का जो अनटू द लास्ट है, एंड यूज द टर्म फॉर हिज ओन पॉलिटिकल फिलोसॉफी। सर्वोदय एनविसेजेस ए न्यू ह्यूमनिस्टिक सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर मैन विल बी द सेंटर, मैन विल बी द सेंटर। इट विजुअलाइज अ सिंपल नॉन वायलेंट एंड डिसेंट्रलाइज सोसाइटी। मनुष्य को केंद्र मान करके, मनुष्य को महत्व देते हुए, जिसके अंदर एक साधारण अहिंसा और डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जो पावर और अथॉरिटी है वो केवल कुछ ही लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज होकर के नहीं रह जाए, हर व्यक्ति जो है वो अपने लेवल पे पावरफुल बने। तो जो इक्वलिटेरियन जो गांधी की सोच है वो यहाँ पर भी दिखाई देती है। विनोबा भावे डेवलप्ड गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय एंड यूज द फिलोसॉफी इन भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स। ये भी आपने सुना होगा भूदान और ग्रामदान। विनोबा भावे ने गांधी जी से इंस्पायर होकर के भूदान का एक जो है यज्ञ चलाया था, एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने लोगों से अपील करी थी कि जिन लोगों के पास में ज़मीन ज़्यादा है, अपने उपयोग से ज़्यादा है, अपने और अपने परिवार वालों के यूज के बाद में भी जिनके पास में ज़मीन खूब सारी पड़ी है, तो वो जो है भूमिहीन जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वो ज़मीन दान में दे दें, है ना। और कई लोग जो हैं उनकी इस मुहिम से इंस्पायर होकर के उन्होंने जो है ऐसा किया भी था। तो कुल मिलाकर के एज ए लीडर जो है, क्योंकि अब देखिए कोई किसी के कहने से कुछ वैसे नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो गांधी का जो एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी, लोगों के दिलों के ऊपर वो राज करते थे, लोग जो है गांधी को बहुत मानते थे, इसलिए क्या था कि गांधी के कहने मात्र से ही ये सारी चीज़ें हो जाया करती थी।
सर्वोदय मूवमेंट प्रोग्रेस ऑफ ऑल, ये फोटो है उस समय का जो गांधी की रैलीज वगैरह हुआ करती थी। फिर अहिंसा पे बात आ रही है, अहिंसा इज द एट्रीब्यूट ऑफ द सोल एंड देयरफॉर टू बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीबॉडी इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ। इफ इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन ऑल डिपार्टमेंट इट हैज नो प्रैक्टिकल वैल्यू, है ना। तो अहिंसा और अहिंसा का जो उपयोग है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो सब जगह होनी चाहिए व्यवहारिक जीवन में, तो इसको उन्होंने महत्व दिया है। और अहिंसा जो है, अहिंसा का केवल मतलब ये नहीं है कि वायलेंस या जो फिजिकल वायलेंस है ना, विचारों की, कार्यों की, सोच की, है ना, इन ऑल एस्पेक्ट। आपका आपका जो व्यूज हैं उनके अंदर भी अहिंसा होनी चाहिए, आपका आपकी जो सोच है हर चीज में जो है, अहिंसा को गांधी ने इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है, अहिंसा और नॉन वायलेंस। गांधी जी सेड देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ, फॉर अचीविंग ट्रूथ ही स्ट्रेस्ड ऑन प्रेयर्स, डेडिकेट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस एंड प्योरिटी ऑफ पर्सनल लाइफ, थॉट एंड बॉडी। तो गांधी जी के जो विचार हैं, सच्चाई से बड़ा, सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये उन्होंने कहा है। फॉर महात्मा गांधी अहिंसा एंड ट्रूथ वर लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। तो एक ही सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, सच भी और अहिंसा भी, तो दोनों जो है वो एक साथ ही चलते हैं, जिसको आप जो है किसी भी हिसाब से अलग नहीं कर सकते हो। जो आपके आपका जो व्यवहार है, आचरण है ना, आपका आपका जो काम करने का तरीका है, तो उसमें ये दोनों ही पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में हमेशा ही प्रेजेंट रहने चाहिए। देयर मस्ट बी ट्रूथ ऑलवेज इन योर एक्ट्स, और अहिंसा भी साथ में होनी चाहिए, नॉन वायलेंस भी होनी चाहिए। महात्मा गांधी टुक द रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, डूइंग नो हार्म, कॉमन टू बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, एंड टर्न इन टू ए नॉन वायलेंट टूल फॉर मास एक्शन। तो गांधी जो है, उनके उनके जो विचार, गांधी खुद जो है पढ़ते रहते थे, विचारों को अपने जीवन में धारण करते रहते थे। जैसे जॉन रस्किन का जो ये अपन ने एंड टू द लास्ट देखा, उससे भी उन्होंने कुछ विचार ग्रहण किए, हिंदू धर्म से भी किए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, और उसको जो है एक मास एक्शन के रूप में, एक टूल के रूप में, नॉन वायलेंट टूल के रूप में लाइफ में उन्होंने उसको यूज़ किया। ही यूज द टूल ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह टू फाइट not only the colonial rule but also social evils such as racial discrimination and untouchability. अफ्रीका में जब वो थे तब उन्होंने racial discrimination से fight किया, काले और गोरे की कुछ कहना चाहते हैं आप? तो काले और गोरे, इनकी जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में, अफ्रीका में देखने को मिलता है रेसेस के बेस पर, उसके अगेंस्ट में भी गांधी ने जो है वो फाइट किया, कहीं ना कहीं उन्होंने संघर्ष किया। और भारत में आकर के जो अनटचेबिलिटी को उन्होंने देखा, तो गांधी हैरान रह गए इस बात को लेकर के कि कुछ लोग जो है अपने ही समान दूसरे लोगों के साथ में इतना घृणित, इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं केवल कास्ट के बेस पर, कि कुछ लोग जो है वो निम्न जाति के हैं तो उनके साथ में इतना बुरा व्यवहार। तो अनटचेबिलिटी या जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की जो भावना है, उसके अगेंस्ट में भी गांधी ने अपने विचार खुल करके रखे। और गांधी का ये मानना था, स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे गांधी, कि इंडिया जो है आज, अगर इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया है मुठ्ठी भर अंग्रेजों ने, तो उसके पीछे वजह यही है कि भारत के अंदर इंटरनली इनहेरेंट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कुछ इनहेरेंट ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इंडिया एज ए कंट्री कभी यूनाइट हो ही नहीं पाया। तो वो जो प्रॉब्लम के ऊपर गांधी ने जब विचार किया, तब उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जेंडर के बेस पर हो, कास्ट के बेस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, या इकोनॉमी के बेस पर हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनिटी है बहुत ज़्यादा, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया एज ए होल कभी भी डेवलप हो नहीं पाया। और इसीलिए क्या है कि कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया और इंडिया जो है उसका एक्सप्लोइटेशन हुआ।
द फाइट ऑफ सत्याग्रह इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट नॉट द डाउटर और द टिमिड. सत्याग्रह टीचेज अस द आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज डाइंग. तो सत्याग्रह की जो स्पिरिट है उसके बारे में जो है यहाँ पर अपने विचार रखे गए हैं, जो गांधी ने हमें सिखाया है कि जीवन जीने का तरीका और मृत्यु तक जो है मृत्यु को प्राप्त करने तक जीवन का जो एक मानदंड है स्टैंडर्ड है वो किस ढंग का होना चाहिए, उसके बारे में जो है गांधी ने अपने व्यूज यहाँ पे रखे हैं. सत्याग्रह इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सिविल रेजिस्टेंस. इट इज द फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड लव. सत्याग्रह आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS भी देखी होगी है ना, तो उसमें भी ये चीज थी कि सत्य का जो है वो आग्रह करना, आग्रह करके इनकी नॉन वायलेंट फॉर्म में. कई लोग कहते हैं ना गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ये कहा करते थे कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो कि एक और मार दो, है ना. तो ये चीज कमजोरी की बात नहीं है, है ना, इसको कमजोरी नहीं कह सकते हो आप. कई लोग कहते भी हैं इस तरह से कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जबकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है. गांधी गांधी ने जिस तरह का बिहेवियर शो किया, जिस तरह का करेज शो किया, वो करना हर किसी के बात बस की बात होती नहीं है. द टर्म सत्याग्रह वॉज कॉइंड एंड डेवलप्ड बाई महात्मा गांधी. ही यूज सत्याग्रह इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द अर्लियर स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका फॉर इंडियन राइट्स. जो काले लोग थे या साउथ अफ्रीका में जो भारतीय थे उनके अधिकारों के लिए भी और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, उसमें उन्होंने सत्याग्रह जो है वो के आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो है एक प्रकार से फ्रीडम का जो स्ट्रगल किया था. जो भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको उनको नहीं मानना, उनकी अवज्ञा करना, है ना, और सविनय मतलब हाथ जोड़ करके कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे. जैसे वो नमक का कानून था तो नमक का कानून भी उन्होंने तोड़ा. तो कुल मिलाकर के सत्य के साथ में आग्रह के साथ में जो है अपनी बात को रखना, ये गांधी जी का जो एक मोटो था, उनकी वर्किंग की स्टाइल थी. समवन हु प्रैक्टिस सत्याग्रह इज अ सत्याग्रही. द सत्याग्रही ऑब्जेक्टिव इज टू कन्विंस एंड कन्वर्ट द रॉन्ग डूअर एंड नॉट थ्रू करेक्शन और फोर्स. तो कुल मिलाकर के जो गलत करने वाला है उसके ऊपर भी बिना दबाव डाले उसको कन्विंस करके और उसको सही के लिए कन्वर्ट करने की बात है यहाँ पर, कि जो कुछ गलत कर रहा है उसको भी अनुरोध करके. मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा होगा ना कि व्यक्ति रोज रोज कचरा डालता है तो दूसरा उसको फूल देता है, तो एंड में उसको शर्म आकर के वो खुद कचरा डालना बंद कर देता है. तो ये कहीं ना कहीं ये गांधीगिरी है, ये गांधी के जो व्यूज़ हैं, गांधी के जो जीवन जीने का तरीका था वो इस तरह का था और लोगों को भी वो इसी ढंग से इंस्पायर किया करते थे. गांधी जी यूज्ड सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी ऑफ इंडिया. सम एग्जाम्पल्स आर चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यही जिसके अभी मैं बात कर रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 का बड़ा फेमस था, इन सब में सत्याग्रह जो है वो देखने को मिला है. फिर ये दांडी मार्च है गांधी जी का, जो नमक वाला कानून उन्होंने तोड़ा था उसके लिए काफी सारे लोग उनके साथ में थे, महिला पुरुष खूब सारे लोग उनके साथ में जुड़े, है ना. तो ये गांधी जी के जो व्यूज हैं वो बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में है, है ना. इसके अलावा जो है गांधी जी ने एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया था, और गांधी जी ने चाहे वो महिलाओं की एजुकेशन की बात हो, दलितों की एजुकेशन की बात हो, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, क्योंकि अपन एज अ सोशियोलॉजिस्ट गांधी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, चाहे वो विधवाओं के विवाह की बात हो या अर्ली मैरिज के अगेंस्ट में खड़े होने की बात हो, शराबबंदी के लिए भी गांधी जी ने अपने विचार रखे थे. हालांकि ये मैंने अब मेरा जो YouTube वाला जो लेक्चर है उसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी. तो उसमें गांधी जी का बहुत ही फेमस कोटेशन है शराब के लिए, कि शराब का वो बहुत विरोध करते थे. शराब पिए हुए व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने होश में नहीं रहता है,
उसको अपने सामाजिक और पारिवारिक और व्यक्तिगत जो उद्देश्य होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उसका व्यक्ति को पता नहीं रहता है। तो इसलिए गांधी जी का ये मानना था, और गांधी जी शराब के बारे में ऐसा कहते थे कि लाल पानी की ओर लपकना दहकती हुई अग्नि में लपकने से भी अधिक घातक है। लाल पानी मतलब शराब, और दहकती हुई अग्नि मतलब आग, कि लाल पानी की ओर लपकना दहकती हुई अग्नि में लपकने से भी अधिक घातक है, क्योंकि द्वितीय क्रिया यानी कि आग में लपकने से केवल शरीर का नाश होता है, लेकिन प्रथम क्रिया की ओर लपकने यानी कि शराब की ओर लपकने से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है। तो इसलिए गांधी जी जो हैं वो शराब के बहुत विरोधी थे। हालांकि गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में इस चीज़ को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने भी कभी शराब पी थी, है ना। तो ये जो स्वीकारोक्ति है ये भी एक बड़ी बात होती है। ये एक व्यक्ति के जो एक व्यक्ति का जो कहना चाहिए कि एक दृढ़ता है, चारित्रिक दृढ़ता है ना, करेक्टर की जो एक फर्मनेस है वो शो करती है ना। बाकी एक इंसान चाहे तो आराम से जो है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन गांधी जी जो है वो इस प्रकार के नहीं थे। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ ब्रीफ जो बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। और उसके अलावा जो है वो एक बार आप इसको मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के उसमें चैट बॉक्स के अंदर, तो वो भी एक बार आप सुन लेना, और सुनने के बाद में जो है वो आप मुझे बताना, या आप उससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। और अभी भी अगर आप गांधी के जीवन के बारे में कोई अपने व्यू रखना चाहें, या अगर आप जो है कोई क्वेरी हो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हालांकि गांधी जो है वो बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट वाली बात नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा गांधी के जीवन के बारे में हम सभी परिचित हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी डिसिप्लिन का व्यक्ति क्यों नहीं हो, तो गांधी के बारे में उनको सबको हम सबको सब चीज़ पता है पहले से ही। बस एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ में स्टडी करने की ज़रूरत रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज वाला अपन यही ख़त्म कर रहे हैं। जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप वो यूट्यूब वाला वो सुन लो अभी, ओके। ओके सर, ठीक है, फिर मीटिंग को कर दें एंड। हाँ सर, ओके, गुड डे टू यू टू ऑल। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, आप लोग ध्यान रखें अपना, है ना। अभी 5-7 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, और उसमें जो है क्योंकि एक वो अभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार से है कि अगले जो 8-9 दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो लिक्विड वगैरह ज़्यादा लिया करें आप लोग। वैसे बाहर निकलने का तो वैसे भी अभी कोरोना ने इंतज़ाम कर रखा है, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी करते रहें साथ साथ। कल बात करते हैं आगे की। जी सर, आप भी रखें। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर।